शतावर गांव के पोलिंग बूथ पर यह फायरिंग हुई है। गोली लगने से एक युवक घायल हो गया है। मुरैना के सुमावली विधानसभा में गोली चली है। शतावर गांव के पोलिंग बूथ पर यह फायरिंग हुई है। गोली लगने से एक युवक घायल हो गया है। मुरैना में गोली चली है, एक युवक घायल हो गया है गोली लगने से। मुरैना में बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच हंगामा हुआ है। सुमावली विधानसभा में ये गोली चली है और एक युवक के घायल होने की खबर इसमें आ रही है। मुरैना में चुनाव हो और गोली ना चले, ऐसा शायद ही देखने को मिला हो, तो ये तस्वीर और जो खबर है वो कुछ इसी बात की तस्दीक कर रही है। मुरैना में चुनाव शुरू हुआ है और गोली चली है। सुमावली विधानसभा में शतावर गांव के पोलिंग बूथ पर ये फायरिंग हुई है। गोली लगने से एक युवक घायल भी हो गया है। बड़ी खबर की इस वक्त की मुरैना से, जहां पर गोली चली है शतावर गांव के पोलिंग बूथ पर, एक युवक घायल हो गया है गोली लगने से। यहां पर हालांकि चाक चौबंद व्यवस्था की गई है, लेकिन उसके बावजूद फायरिंग की घटनाएं चुनाव में जरूर होती हैं, मतदान के दिन खासकर। और वही खबर सुमावली विधानसभा क्षेत्र से, जहां पर गोली चलने की खबर है। शतावर गांव के पोलिंग बूथ पर फायरिंग हुई है। गोली लगने से एक युवक घायल भी हो गया है। मुरैना से यह खबर, सुमावली विधानसभा में गोली चली है। शतावर गांव के पोलिंग बूथ पर फायरिंग हुई है। उमेश पराशर हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त फोनलाइन पर। उमेश, गोली चली है सुमावली विधानसभा क्षेत्र में, किसके बीच चली है, क्या हुआ है? जी अभिषेक जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, सुमावली विधानसभा के जतावर गांव में दो गुटों में फायरिंग हुई है। बताया ये जा रहा है कि दोनों जो कार्यकर्ता हैं वो कांग्रेस और बीजेपी के हैं, उनमें फायरिंग हुई है। बताया ये जा रहा है, जो ग्रामीण थे उनका कहना ये है कि जो कांग्रेसी हैं वो कांग्रेस के पक्ष में ग्रामीणों से मतदान कराने के लिए दबाव डाल रहे थे। जब इसकी सूचना बीजेपी की कार्यकर्ताओं को मिली तो उन्होंने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की मारपीट की। और अपडेट ये भी आ रहा है कि इसमें एक व्यक्ति घायल है, गोली भी चलाई है, फायरिंग हुई है, जिससे एक व्यक्ति घायल हो गया, जिसका इलाज जिला चिकित्सालय में चलाया जा रहा है। पुलिस मौके पर है और पूरी मामले की जाँच कर रही है। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका उमेश। नजर बनाए रखें तो गोली चली है, एक व्यक्ति उसमें घायल भी हो गया है, उसका इलाज चल रहा है। चलिए।